डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द मैथ्स फॉर क्लास फर्स्ट। टुडे वी विल रिवाइज अबाउट द इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिफोर एंड आफ्टर, नंबर इन बिटवीन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू एंड टीच यू ईच एंड एवरी सिंबल्स। यू विल लिसन इट वेरी केयरफुली एंड वेयर एवर यू फील्स एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई विल गिव यू ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर इट। And if you feel a problem after it, you can also contact me. Okay, dear. So let us start now. Your topic is equal to now. You can see in the pictures equal to. Equal to means होता है बराबर. Equal to means होता है बराबर. टू आउट ऑफ थ्री सेट्स ईच रो आर इक्वल इन नंबर। इसमें दो सेट या तीन सेट दिए गए हैं जो नंबर में इक्वल हैं, ठीक है। लेट अस काउंट राइट द नंबर। आपको इनको गिनना है और नंबरों को लिखना है इन ईच ब्लैंक एंड टिक द सेट्स दैट आर इक्वल। और उसमें टिक करना है जो इक्वल है। यू कैन सी इन द पिक्चर्स हेयर इज गिवन दैट 1, 2, 3, 4, 5 फाइव हैं, तो आपने यहाँ पर फाइव लिख दीजिए। यहाँ पर फाइव देख सकते हैं आप, फाइव लिखिए यहाँ। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ सिक्स लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ फाइव लिखिए। आपने देखा ये फाइव और ये फाइव इक्वल है, तो आपको यहाँ पर सही का टिक करना है और यहाँ सही का टिक करना है। तो इसमें ये दो सेट इक्वल है। इन द सेकेंड पिक्चर्स हेयर इज ऑल्सो गिवन द थ्री सेट्स ऑफ ब्रिंजल। यहाँ पर बैगन के सेट दिए गए हैं, यू शुड काउंट इट। आपको इनको गिनना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यू विल राइट हेयर 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यू विल राइट हेयर 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यू विल राइट हेयर 7 सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 7 और ये 7 इक्वल है। तो ये सेट्स को इक्वल कर लीजिए। हेयर इज गिवन दैट कॉलीफ्लावर। यहाँ पे कॉलीफ्लावर दिए गए हैं, फूल गोभी। यू शुड काउंट इट। आपको इनको गिनना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यू विल राइट हेयर 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 यू विल राइट हेयर 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन दिस वे We have count the cauliflower. So आप जानते हैं कि ये 7 है और ये 7 है, तो दो सेट्स आर इक्वल। नाउ वी विल काउंट इट अबाउट द एप्पल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यू विल राइट हेयर 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
here you will write 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You will write also here 8. तो आप देखते हैं 8 एंड 8 आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हैं, टिक कर दिया हमने. एंड नाउ आई होप दैट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स यू कैन अंडरस्टूड अबाउट द इक्वल टू. नाउ आई एम गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिट, यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द इक्वल टू. You can see here is given that 2 equal to, this is correct, 3 equal to 5, this is wrong. 6 equal to 6, this is right. 7 equal to 8, this is wrong. 9 equal to 9, this is correct. So dear students, in this way I have given you a lot of example about the equal to. So I hope that you will better understand about the equal to. Now I will teach you about the greater than. What is greater than? Greater than means hota hai bada. The symbol greater than stand for greater than. Compare the objects, one is done for you. आप pictures में देख सकते हैं ये greater than का symbol है, देख सकते हैं आप, ये greater than का symbol है. Suppose that 8 है, इधर 7 है. यदि आपसे पूछा कौन ग्रेटर है तो ये यहाँ पर 12 दिया गया है, फिर सिंबल दिया गया है, यहाँ पे 5 रखा गया है, तो ग्रेटर देन 12 है. इस तरह से आप पिक्चर को काउंट कर सकते हैं. पिक्चर को काउंट करने के बाद आप ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हैं. द ओपन पार्ट ऑफ साइन इज पुट टुवार्ड द बिगर नंबर. आप देखिए जो ये ओपन पार्ट है ये बिगर नंबर होता है. आप काउंट करना है बॉल को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लेफ्ट हैंड साइड आपके 9 बॉल हैं एंड राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉल हैं. तो 9 और 8 हमने लिख दिया है. अब देखते हैं इनमें से कौन ग्रेटर है, तो ये देखिए 9 ग्रेटर है. इसी तरह आपको यहाँ पर भी काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 लिख दिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 लिख दिया. यहाँ पर 8 लिखते हैं और यहाँ पर चिन्ह छोड़ देते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं. अब बताइए कौन सा बड़ा है, तो बड़े के निशान ये लगा दिया और यहाँ पर भी बड़े के निशान लगा दिया. इसको बोलते हैं ग्रेटर देन. अब बटरफ्लाई है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई. आप बटरफ्लाई को पिक्चर में देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यू विल राइट हेयर 7. इधर आपको सिंबल बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 लिखना है. तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 में टिक कर देंगे. देखिए हेयर इज वेजिटेबल,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यू विल राइट हेयर 8, यहाँ पर सिंबल बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 है तो 8 ग्रेटर है तो ग्रेटर में सिंबल बना लेंगे। हेयर इज गिवन दैट गॉड, लौकी दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 दिया गया है, यहाँ पर सिंबल बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 है तो 9 डिजिट बड़ी है तो ग्रेटर देन का निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से ग्रेटर देन आपका हो गया। अब लेस देन की बारी आती है। लेस देन मीन्स होता है छोटा, लेस देन मीन्स होता है छोटा। इसका मार्क है ये, सपोज करते हैं यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ पर 1 दिया गया है। तो आपको देखिए लेस देन का मार्क लगाना है तो लेस देन यानी 6, 5, 6 से छोटा है, 4, 8 से छोटा है, 1, 3 से छोटा है। छोटे को इंग्लिश में लेस देन बोलते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर्स द सिंबल लेस देन स्टैंड फॉर लेस देन, कंपेयर द ऑब्जेक्ट, वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया भी गया है। द पॉइंटेड पार्ट ऑफ साइन इज पुट टू वॉच द स्मॉल नंबर, हेयर इज गेन दैट द पिक्चर्स ऑफ बटरफ्लाई 1, 2, 3, यू विल राइट हेयर 3 एंड सिंबल 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 5 है। अब आपको देखना है कि इनमें से छोटा कौन है, ठीक है। 3 छोटा है कि 5, तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर यू कैन सी फाइव इज 3 इज लेस देन 5। हेयर इज गिवन दैट फ्लावर 1, 2, 3, डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी इन द पिक्चर्स अबाउट द लेस देन आई वॉज टोल्ड यू, वेयर एवर यू फील्स एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अबाउट द लेस देन सो यू कैन आस्क विद मी। So here is given that figure 1, 2, 3, 4, 5. 5 is less than 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर 5 लिख देंगे। यहाँ पर 6 लिख देंगे। 5 इज लेस देन 6, तो ऐसे सिंबल बना देंगे। नाउ द नंबर ऑफ किटन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
सेवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। आप जानते हैं सिंबल 7 इज लेस देन 8। हेयर इज गिवन दैट द पिक्चर ऑफ कैप, यहाँ पर कैप की पिक्चर दी गई है। यू कैन काउंट द कैप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 कैप हैं। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 कैप हैं, तो आप जानते हैं 5 इज लेस देन 7। हेयर इज गिवन दैट द वॉच, यहाँ पर टेबल वॉच दी गई है। देखिए यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7, यू विल राइट हेयर 7। एंड यू कैन ऑल्सो काउंट द वॉच 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 इज लेस देन 8। इन दिस वे डियर यू कैन काउंट द नंबर एंड पुट द सिंबल ऑफ लेस देन। सो डियर इन दिस वे सपोज दैट योर डिजिट इज 6 4 2, यू कैन मेक द सिंबल, सो यू विल राइट हियर 7 8 5। 6 इज लेस देन 7, 4 इज लेस देन 8, 2 इज लेस देन 5। In this way, I have given you more example of less than. I hope that you will understand. So you can see some more example of it. Now, after it, I will give the explanations of before and after. Here is given that a line on which numbers are shown is called number line. जो line बनाई जाती है, जो प्रदर्शित की जाती है, उसको number line बोलते हैं। देखिए कोई भी हम number line draw कर सकते हैं। Suppose करते हैं ये number line है, हमें इसे ड्रा करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने नंबर डिसाइड कर लिया, ठीक। नंबर भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने ये नंबर लाइन लिखी। आप देखते हैं इस वाले हिस्से को लेफ्ट बोलते हैं, इस वाले हिस्से को राइट बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, ऐसे बोलेंगे राइट हैंड साइड RHS। तो यदि हम बोलेंगे कि जीरो के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो इस तरह से आप देखते हैं, आप देख सकते 1 आफ्टर क्या आएगा 2, 4 आफ्टर 5, 6 आफ्टर 7, इस प्रकार से आफ्टर आते हैं। सपोज करिए हम बिफोर की बात करें, यदि हम बिफोर की बात कर लें, यदि हम बिफोर की बात कर लें, सपोज करिए मैंने लिखा नंबर 6 8 9 10। अब इन सब के पहले
कौन सी डिजिट आएगी? तो सिक्स के पहले क्या आएगा? फाइव, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। एट के पहले सेवन, नाइन के पहले एट और टेन के पहले नाइन। इस तरह से ये बिफोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। सो डियर स्टूडेंट्स, द नंबर लाइन्स हेल्प अस टू टेल द नंबर्स बिफोर आर आफ्टर द गिवन नंबर्स इजली। द नंबर सिचुएटेड जस्ट लेफ्ट हैंड साइड कम्स बिफोर एंड गिवन नंबर एट द नंबर सिचुएटेड जस्ट राइट हैंड साइड कम्स आफ्टर गिवन नंबर। यू कैन सी इन द पिक्चर्स राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर्स। बिफोर कह रहा है, जैसे फाइव से पहले क्या आता है? फोर आता है। तो टू से पहले क्या आएगा? टू से पहले क्या आएगा? एट से पहले क्या आएगा? थ्री से पहले क्या आएगा? नाइन से पहले क्या आएगा? सेवन से पहले क्या आएगा? तो चलिए देख लेते हैं। टू से पहले वन, एट से पहले सेवन, थ्री से पहले टू, नाइन से पहले एट और सेवन से पहले सिक्स आएगा। ये होता है बिफोर, बी ई एफ ओ आर ई, बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। ओके डियर, सेम इन दिस वे यू कैन सी इन द पिक्चर्स टू बिफोर वन, एट बिफोर सेवन, नाइन बिफोर एट, सेवन बिफोर सिक्स, टेन बिफोर नाइन, सिक्स बिफोर फाइव। इन दिस वे यू कैन डू। सो आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल। यू कैन सी इन द पिक्चर योर सेकेंड प्रॉब्लम इज राइट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर्स। बोलिए ए ए एफ टी ई आर आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में। चलिए नंबर सेलेक्ट करते हैं, सपोज करते हैं नंबर है आपका टू सिक्स सेवन। टू के बाद क्या आएगा? थ्री, सिक्स आफ्टर सेवन, सेवन आफ्टर एट। इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स यू कैन डू। सम मोर एग्जाम्पल। वन के बाद क्या आएगा? थ्री के बाद, वन के बाद क्या आएगा? थ्री के बाद क्या आएगा? नाइन के बाद क्या आएगा? फाइव के बाद क्या आएगा? फोर के बाद क्या आएगा? एट के बाद क्या आएगा? ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। वन आफ्टर टू, थ्री आफ्टर फोर, नाइन आफ्टर टेन, फाइव आफ्टर सिक्स, फोर आफ्टर फाइव, एट आफ्टर नाइन। डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी इन द पिक्चर्स एंड सेम यू विल डू लाइक दैट। ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, नाइन के बाद टेन, फाइव के बाद सिक्स, फोर के बाद फाइव, एट के बाद नाइन। आपको सेम यहाँ पर भी करना है। सिक्स आफ्टर सेवन, सेवन आफ्टर एट, वन आफ्टर टू, थ्री आफ्टर फोर,
9 after 10, 5 after 6, 4 after 5, 8 after 9. You can do like that. So dear students, number in between. The number line also help us to tell the numbers in between. Two given numbers, let us find the number between 8 and 10, 9. The number which comes after a smaller number and comes before bigger numbers is situated between the given two numbers. Look at I am at 9. It is in between 8 and 10. Suppose करते हैं, मैं आपको एक नंबर लाइन बनाता हूँ, जैसे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप इसमें काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and here 10. आप देख सकते हैं कि 1 and 3 के बीच में क्या रहा है 2. यहाँ पर देख सकते हैं 4 and 5 के बीच में क्या रहा है 5. 7 और 9 के बीच में क्या रहा है 8. 8. इस प्रकार से आपने देखा नंबर लाइन बीच को भी क्लियर करती है. चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं. 2 and 4 के बीच में क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो ये बिटवीन में आएगा. क्या आएगा? बिटवीन में. सो डियर स्टूडेंट, यू कैन सी BETWEEN, बिटवीन. बिटवीन मीन्स बीच में. बिटवीन मीन्स बीच में. बिटवीन मीन्स बीच में. तो आप कोई भी नंबर आप इस तरह से कर सकते हैं. चलिए इसमें देखते हैं 7 and 9 के बीच में क्या आता है 8 आता है. 2 में देख लीजिए आप, देखेंगे 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7 आता है. 3 and 5 के बीच में क्या आता है 4 आता है. आप देखिए इज बिटवीन 7 and 9 के बीच में क्या आता है 8 आता है. इज बिटवीन 4 and 6 के बीच में 5 आता है. इज बिटवीन 6 and 8 के बीच में 7 आता है. इज बिटवीन 3 and 5 के बीच में 4 आता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे I have given you the examples of between. Between means बीच में होता है. So today, dear students, I was told you about the before, after, between, equal to, and wherever you feel in this topic. Any kinds of problem, you can contact me in my personal numbers 9140804299. I will
solve your each and every problem. Thank you dear, bye and see you.